सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई एक बड़ी सी मनोकामना पूरी हुई मेरी, आज मैं अशोक तंवर जी का इंटरव्यू लेने लग रहा हूँ, बड़ी दिलों से इच्छा थी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, क्या हाल है? मैं एकदम बढ़िया जी, आप कैसे हो जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सारे भी बहुत बढ़िया होंगे। धन्यवाद जी। आपका इंटरव्यू लेने बैठे लगा जी जो राहुल गांधी के लिए बैठे हूँ। चलो बढ़िया है, फीलिंग लेने में कोई हर्ज नहीं भाई। बाकी तो वो दिल्ली है और मैं धारा बीच में हूँ जी। सर सर आप बड़ी पार्टी छोड़ के अब स्टेट की पार्टी में आए हैं, क्या कहना आपका? मैं तो पहले भी स्टेट की उसमें ही था भाई, और जहाँ तक बड़ी पार्टी का सवाल है जी, अब बड़ी पार्टियों में जो है ना सोच जो है बहुत छोटी होगी। आज से करीबन 15 साल पहले कोई बहुत बड़े नेता मेरे को मिले, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था नया जी, और वो मेरे को बोले कि भाई अशोक बात ये है कि आज जो है, उस समय तो हम पावर में थे लेकिन फिर भी उन्होंने पुराना नेहरू जी का इंदिरा जी का दौर बताया जी और उससे तुलना करी। वो बोले कि भाई आज कांग्रेस छोटी इसलिए होती जा रही है क्योंकि यहाँ 6 फुट का आदमी 5 फुट वाले को ढूंढता है, 5 फुट वाला 4 फुट वाले को ढूंढता है, 4 फुट वाला 3 फुटिये को ढूंढता है, 3 फुट वाला 2 फुट को, 2 फुट वाला 1 को, और 1 वाला सोचता है जमीन के नीचे का आदमी, यानी कि अपने से छोटे आदमी को ढूंढते हैं या छोटा बनाना चाहते हैं, तो इसलिए कांग्रेस छोटी होती जा रही। पुराने टाइम में बोले अच्छे लोगों को टैलेंट को उभारते थे, आगे लेके आते थे, तो यही चीज़ है अभी। तो इसलिए हमने तो संकल्प लिया है कि जो पूरे देश में बढ़िया लोग होंगे उनकी मदद करेंगे। हरियाणा में इन्हीं साथियों की लड़ाई लड़ी थी हमने जी, जो टिकटू थे वो तो भाग गए, टिकटू समझते हो ना जी जी, और बाकी ये यूँ के यूँ खड़े हैं सारे साथी, जो सुख दुख के साथी हैं ये बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी स्वार्थ के ये उस समय भी खड़े थे और वो संख्या बढ़ती जा रही है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो देश और प्रदेश विकल्प चाहता है जी, वो मिल करके हम विकल्प तैयार करेंगे। बाकी हमारे पास आ रहे हैं सभी लोग, हम तो किसी के पास गए नहीं, अपने पास सब आएंगे। कहते हैं जहाँ भाई गुड़ होगा वहाँ जो है सब आएंगे, मैं मक्खी तो नहीं कहता मैं, मगर जहाँ गुड़ होगा वहाँ सब आएंगे। ठीक है सर जी। अच्छा सर, अभी बड़ौदा का इलेक्शन है, बड़ौदा के इलेक्शन में आपकी क्या शिरकत रहेगी या इनेलो की तरफ से आप खड़े होंगे? देखिए ये तो दुष्प्रचार है कुछ लोगों का। अच्छा जी। हाँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो पहले विधानसभा था तब हमने कहा था हमारी अपनी लड़ाई नहीं, हम तो दूसरों की टिकट मांगते, जिन्होंने 5 साल 8 महीने संघर्ष किया था हमारे साथ, जब उनकी अनदेखी हुई हमने कर दिया नमस्ते भाई ले, हमें तो पहले भी वो दे रहे थे जी, आज भी हमेशा तैयार हैं, दूसरी पार्टियाँ भी तैयार हैं। जहाँ तक बड़ौदा का सवाल है, बड़ौदा का फैसला तो हम बड़ौदा के भाइयों के साथ मिलके उनसे चर्चा करके फिर लेंगे क्या अपने को करना चाहिए, और जो भी फैसला होगा वो हरियाणा के हित में होगा। और जो झूठे नारे दे रहे हैं कोई विकास का कोई विश्वास का जी, ये झूठ फरेबी जितने भी हैं इनका पक्का इलाज करने के लिए जो हमारे से बन पड़ेगा वो करेंगे। आपकी और अभय जी की जोड़ी को देख के कुछ बड़े लोगों का ये भी कहना है कि 0 × 0 = 0। देखो ये तो कहने में कोई भी कुछ कह सकता है, उसके बाद कल का बयान देख लो जी, Hero = Hero and always Hero जी, तो ये तो सब चलता रहता है। मैं हम तो 5 साल ये लकड़ बग्गे कांग्रेस वाले मेरे पीछे पड़े रहे, हमने उनकी परवाह नहीं करी, बाकी की तो हम किसकी परवाह करेंगे। आज दुष्यंत जी का भी मैंने बयान आया था, किसी ने भाई ने बताया कि भी उन्होंने मेरी 11 जगह पे मदद करी थी और वे आएंगे तो स्वागत है उनका, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने कहा कि मैं तो अभी ये महामारी का दौर है जी, दूसरा 25 साल हमने पूरे देश में काम किया, जो सिद्धांत और विचारधारा की और नीति और नेतृत्व की लड़ाई थी वो हमने जहाँ महसूस करी उनके लिए हमने पूरा अपनी जवानी दे दी जी, और अब देखेंगे सब लोगों के साथ जो भी साथी हैं उनसे सलाह करेंगे। ये सारे साथी तो इस मामले के हैं, ये तो सब ये मानते हैं भाई मजदूरी तो सब करवा लेते हैं लेकिन बाद में जो है ठगा बग्गी कर जाते हैं लोग, इसलिए किसी के ऊपर विश्वास मत करो। बाकी जब समय आएगा जी उस टाइम देखेंगे, अभी तो ये विकल्प तलाशने में लगे हुए सारे, और हम जो है देश और प्रदेश को समर्पित हैं, जहाँ लोगों की जरूरत होगी, कर्मचारी हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो जी, छोटा दुकानदार हो, उनको जहाँ
वो संघर्ष करेंगे। पहले भी हमने सड़कों पे समय बिताया है, आज भी सड़कों पे बिता रहे हैं। कुछ कोरोना के नाम से ही डरते हैं और हम कर रहे हैं कोरोना आ जा भाई कितने तो मिल मने हरियाणा में आना मैं तने ढूंढू जी। कोरोना तो उनने ढूंढा यार, मैं कोरोना ने ढूंढू जी। आप क्या अब ये फाइनल जोड़ी है अभय जी की और आपकी, या अब अभी? मैंने तो कहा मेरे से सारे मिल रहे हैं, मेरे से तो सारे मिल रहे हैं। कोई रात के अंधेरे में मिलता है, कोई दिन के उजाले में मिलता है, कोई फोटो डाल देता है, कोई नहीं डालता है। तो भाई मेरे तो अभी सारे जो है सारे साथी सबको पता है। तो क्या मतलब एक नई पार्टी बनाने की तैयारी भी हो सकती है? हमने कहा कि विकल्प हरियाणा खोज रहा है, देश भी खोज रहा है, और विकल्प को जो है और मजबूत करने के लिए, तलाशने के लिए ये सारे साथियों के साथ हम आगे 2024 की तैयारी चल रही है। अभी तो राजनीति का समय ही नहीं है, ये तो समय है सेवा का। लोगों की सेवा करो, दुख में सुख में। लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, व्यापारियों का उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, मजदूर का जो है उनकी मजदूरी नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रहा है। इसी तरीके किसानों की जो फसल का दाम है वो दो दो तीन तीन महीने हो गए कई जगह। आज भी हम तो वो लोगों से सलाह मशवरा करने में लगे हुए हैं। और ये जो भ्रष्टाचार, अभी मेरे को गाड़ी में कुछ साथी मिले थे जी। बोले भ्रष्टाचार 5-5 गुना बढ़ गया इस सरकार में जी। तो ऐसी सरकारों को मैं समझता हूँ कि उखाड़ फेंकने के लिए जो भी होगा वो हम सारे साथियों के साथ मिल करके करेंगे। चलो धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई शर्मा जी। धन्यवाद दादा, राम राम। राम राम जी।